आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो चटपटा स्पाइसी बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली चटनी की रेसिपी। यहाँ पर दो तरीके का चटनी है और दोनों को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और दोनों का जो टेस्ट होता है एकदम A1 है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए पहले आम की चटनी बनाते हैं, जिसके लिए मैंने आधे आम लिए हैं। आप अपने फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर आम को अच्छे से छील करके कट कर लेना है, साथ ही धो लेना है और इसके बीज को निकाल देना है। मिक्सर जार में ऐड करने के बाद 4 हरी मिर्च डालूंगी। आप जितना तीखा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग डालिएगा। साथ ही यहाँ पर 5 से 6 आपको लहसुन की कलियाँ डालना है। इसके अलावा 1 लाल मिर्च आपको डालना है, चाहे तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी को कम कर दीजिए। थोड़ा सा आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल लेना है और साथ ही यहाँ पर पुदीने की पत्ती है। यहाँ पर सूखे पुदीने की पत्ती भी आप ले सकते हैं, या फ्रेश है जो वो भी ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करिए और अच्छे से आपको चटनी को पीस लेना है। तो यहाँ पर पहला एकदम इंस्टेंट आम का बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खट्टा तीखा, एकदम चटपटा सा चटनी बन करके तैयार है। इसे आप चावल के साथ भी खा सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा रेसिपी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देख सकते हैं चटनी कितना बढ़िया दिख रहा है और इसका टेस्ट भी एकदम परफेक्ट है। अब आपके साथ शेयर करूँगी दूसरी चटनी की रेसिपी, जिसके लिए मैंने मुट्ठी भर हरी धनिया पत्ती लिया है और यहाँ पर मैं इसमें 4 हरी मिर्च एकदम बड़े साइज़ का डाल रही हूँ। मैं थोड़ा तीखा ज़्यादा बना रही हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। इसके अलावा यहाँ पर आधा लेमन का जूस डालूंगी। ध्यान रहे कि इसके बीज को आपको चटनी में नहीं डालना है। यहाँ पर जो गिर गया है मैं उसे निकाल लूंगी और यहाँ पर पूरा आधा लेमन का जूस आपको इसमें डालना है। साथ ही 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा डालिए और आधा टमाटर। टमाटर यहाँ पर बिल्कुल कम डालना है, ज़्यादा नहीं करना है। थोड़ा सा आपको प्लेन नमक जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, और साथ ही आपको थोड़ा सा काला नमक डालना है। ये दोनों डालने से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ही थोड़ा सा आधा चम्मच जितना दही डाल दूंगी। तो यहाँ पर एकदम परफेक्ट तैयार है। थोड़ा सा सूखे पुदीने के पत्ती डालना है आपको और फिर इसमें थोड़ा पानी डाल के चटनी बना लीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो आपको पानी ऐड करना है, नहीं ज़रूरत पड़े तो ऐसे ही पीस लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है चटनी का। इस तरीके से बहुत बढ़िया चटनी बनता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।